हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 6, मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। आज हम अर्थ की लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे वो कितने टाइप की होती हैं। मेरा नाम सुधीर वशिष्ठ और आप सभी को सबसे पहले थैंक्स कहना चाहूँगा जो आपने मेरी लास्ट वीडियो यानी कि जो चैप्टर 5 था हमारा या वीडियो नंबर 5, उसमें जो आपने सपोर्ट करी और हेल्प करी। तो जो भी मेहनत एक वीडियो ट्यूटोरियल को बनाने में लगती है, कि जैसा आप जानते हैं मैं ग्राफिक्स यूज़ करता हूँ हर वीडियो के अंदर और एनिमेशंस, तो उनको सर्च करने में और कुछ जो खुद बनानी पड़ती है एनिमेशन, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बट आप सभी ने जो लाइक और शेयर जो कमेंट के थ्रू फीडबैक दिया, उससे सब वसूल हो गई मेहनत। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करें। तो जो हमारा अर्थ है उसकी जो लैंडफॉर्म्स हैं उसके बारे में समझते हैं पहले, कि वो लैंडफॉर्म्स कितने टाइप के हैं। तो जो अर्थ है, अर्थ की इन्फाइनिटी वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स हैं, यानी कि बहुत ही अलग अलग प्रकार की लैंडफॉर्म्स हैं। कहीं पर हम देखेंगे एकदम प्लान लैंडफॉर्म होती हैं, कहीं पर ऊबड़ खाबड़ हैं, कहीं माउंटेन टाइप में बना हुआ है, ठीक है, कहीं पर प्लेट्यूज बने हैं। अभी आप सोच रहे हो ये सब चीज़ें क्या हैं, तो इनके बारे में अभी हम स्टडी करेंगे। तो ये लाइन सेम यही आपसे कहती है कि सम पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर मे बी रिजिड एंड सम फ्लैट। जो लिथोस्फीयर का कुछ पार्ट है वो रिजिड है और कुछ क्या है, फ्लैट है एकदम। लिथोस्फीयर क्या है, कंफ्यूज मत होइएगा, अभी मैं इसको बताऊंगा और लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आपको नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाके इससे पहला लेक्चर जरूर देखिए, जिससे आपको पता हो चल जाए कि लिथोस्फीयर क्या है, ठीक है। अब जो लैंडफॉर्म है वो कैसे बनती है, तो इसके पीछे दो प्रोसेसेस होते हैं। दीज लैंडफॉर्म आर अ रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेसेस। जो लैंडफॉर्म है वो टू प्रोसेसेस के कारण बनती हैं। और एक और सबसे बड़ी चीज़, जो अर्थ है यानी कि जो भी सरफेस है जहाँ पे आप खड़े हुए हो, वो धीरे धीरे मूव कर रहा है, हमें पता नहीं चलता। लेकिन जो अर्थ का सरफेस है जिस पर हम खड़े होते हैं, जिसको लिथोस्फीयर भी कहते हैं या कहते हैं, वो धीरे धीरे मूव कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब बात करते हैं अर्थ के अंदर वो कौन से टू प्रोसेसेस होते हैं जिनकी वजह से जो अर्थ की लैंडफॉर्म है वो क्रिएट होती है। तो पहला क्या है, द फर्स्ट और द इंटरनल प्रोसेस लीड टू द अपलिफ्टमेंट, यानी कि बनना, श्रिंकिंग मीन्स होता है सिकुड़ना ऑफ द अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस। फर्स्ट जो इंटरनल प्रोसेस है उसकी वजह से क्या होता है, लैंड का अपलिफ्टमेंट होता है, ऊपर उठते और कहीं कहीं श्रिंकिंग मिस होता है, सिकुड़ना या छोटा होना, वो ख़त्म होने लग जाती है। सेकंड प्रोसेस क्या होता है, द एक्सटर्नल प्रोसेस इज द कंटिन्यूस वेयरिंग अवे द अर्थ सरफेस। सेकंड प्रोसेस क्या होता है, जिसमें जो हमारा अर्थ है उसके ऊपर सरफेस माउंटेन जो हैं वो कंटिन्यूसली इरोड होते रहते हैं, ठीक है। वेयरिंग अवे मीन्स होता है इरोड होना किसी भी चीज़ का, यानी कि मान लो ये एक माउंटेन है, ठीक है, यहाँ से नदी बह रही है कोई, तो जब ये पानी बहेगा तो ये क्या करेगा, इससे इसको धीरे धीरे पहाड़ को काटता चला जाएगा। और जब ये काटेगा तो पहाड़ से भी कुछ मटेरियल निकलेगा, ठीक है, उस मटेरियल को ये पानी क्या करेगा, धीरे धीरे अपने साथ बहा के ले जाएगा। तो ये जो यहाँ पे पहाड़ को काटा है इसने, ये जो प्रोसेस हुआ इसी को हम कह रहे हैं वीरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस। द वीरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन, इस प्रोसेस को इरोजन कहते हैं। द सरफेस इज बींग लोअर्ड, जो सरफेस को घटाया जाता है या नीचा करा जाता है उस प्रोसेस को कहते हैं इरोजन। एंड रीबिल्ड, जो दोबारा कोई नई जगह कंस्ट्रक्ट होती है उसको कहते हैं द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। अब ये देखिए, आप यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक माउंट, कोई भी एक प्लेटू ले लीजिए या माउंटेन जो भी कुछ है, यहाँ पे पानी बह रहा है नदी, धीरे धीरे नदी ने क्या करा और हवा के साथ ये क्या हुआ, पहाड़ इरोड होता चले गया। जो इसका मटेरियल था, ये जो पूरा मटेरियल था, ये सारा का सारा क्या हुआ, हवा से इरोड हो गया, नीचे का हिस्सा पानी ने धीरे धीरे काट दिया। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इरोजन कहेंगे। अब क्या होता है, मैंने कहा कि ये इरोड हुआ तो कहीं ना कहीं ये बहके भी गया पानी के साथ। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पहाड़ इरोड हो रहा है धीरे धीरे, और ये जो मटेरियल है ये यहाँ नीचे आके इकट्ठा हो रहा है, जिससे क्या होगा, यहाँ पे भी कुछ टाइम बाद एक जगह बन जाएगी जिस पे आप चल फिर पाओगे, ठीक है, इसी को हम डिपोजिशन कहेंगे, यानी कि एक जगह इकट्ठा हो जाना चीज़ों का। दीज प्रोसेस आर कैरीड आउट बाय द रनिंग वाटर, आइस एंड वाइन, ठीक है, तीन चीज़ों के थ्रू ये प्रोसेस कैरी आउट करे जाते हैं लगातार। टाइप ऑफ लैंडफॉर्म, अब हमने क्या करा, लैंडफॉर्म को ना हमने मोटे मोटे तौर पे तीन भागों में डिवाइड कर लिया, और ये जो डिविजन है ये डिपेंड है कि जो अर्थ सरफेस है उससे इनका एलिवेशन कितना है। तो पहला माउंटेन हो गया हमारा, दूसरा प्लेट्यूज, और थर्ड हो गया हमारा प्लेन्स। अब बात करेंगे हम माउंटेन्स के बारे में, जानेंगे माउंटेन्स क्या होते हैं। माउंटेन, एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस
इज कॉल्ड माउंटेन। कोई भी एक नेचुरल एलिवेशन जो होगा अर्थ के सरफेस के ऊपर, ये मान लो ये अर्थ का सरफेस है, ये एक एलिवेशन है, इसको हम माउंटेन कहेंगे। जो माउंटेन होता है मे हैव स्मॉल समिट, ठीक है, इसकी जो समिट है वो स्मॉल हो सकती है एंड ब्रॉड बेस, यानी कि ये वाला हिस्सा जो है ये बड़ा हो सकता है, हायर देन द सराउंडिंग एरिया, बट जो आसपास का एरिया है उससे क्या होगा, ये ऊंचा होगा। जो कुछ माउंटेन होते हैं, सम माउंटेन्स क्या होते हैं, आर इवन हायर देन द क्लाउड्स। कुछ माउंटेन क्लाउड्स जो होते हैं, ये मान लो ये एक माउंटेन है आपका और ये यहाँ पे क्लाउड्स हैं, ये क्लाउड से भी ऊंचे होते हैं, माउंटेन्स की हाइट इतनी होती है। और जैसे जैसे आप माउंटेन पर ऊपर की तरफ जाओगे क्या होगा, जो क्लाइमेट है ना वो ठंडा होता चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्लाइमेट का जो टेम्परेचर है वो डाउन जाएगा। इन सम माउंटेन देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स, रिवर्स ऑफ आइस, दे आर कॉल्ड ग्लेशियर। उसको हम क्या कहते हैं, इनको ग्लेशियर्स कहते हैं हम, ठीक है। माउंटेन्स में हम लोग जानते हैं कि बहुत सी ऐसी रिवर्स होती हैं जिनके जो रिसोर्सेज हैं या सोर्स जो है जहाँ से वो स्टार्ट है, वो माउंटेन्स में जो ग्लेशियर हैं उनसे ही बहती हैं, जैसे कि ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी, जिनके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। अब ये क्या है, ये हमारे माउंटेन्स हैं और ये ग्लेशियर्स हैं। जिन बच्चों को नहीं पता ग्लेशियर्स कैसे होते हैं, ग्लेशियर्स कुछ इस तरीके के होते हैं, ये धीरे धीरे पिघलते हैं, मेल्ट होते हैं और यहाँ से भी नदियों को बहने के लिए सोर्स यानी कि वाटर मिल जाता है उनका, यहाँ से नदियाँ फ्लो करेंगी। माउंटेन मे बी अरेंज इन अ लाइन नॉन एज रेंज। अब मान लो हम क्या करते हैं, हम जो बहुत सारे माउंटेन्स हैं जैसे ये है, इनको इस तरीके से एक लाइन में अरेंज कर रखा है, इसको क्या कहेंगे हम, रेंज कहेंगे। अब मैनी माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस। पैरेलल रेंजेस का मतलब क्या हो गया, एक तो अभी मैंने क्या कहा था माउंटेन रेंज क्या होती है, जब माउंटेन्स को सीरीज में लगा दें कुछ इस तरीके से। अब कुछ माउंटेन्स क्या होते हैं, उनकी पैरेलल रेंजेस हो जाती हैं, जैसे एक रेंज ये हो गई, दूसरी ये, इसके आगे फिर तीसरे माउंटेन्स यहाँ से स्टार्ट हो गए, तो ये जो पूरा ग्रुप होगा ये सारा क्या हो गया, हमारा पैरेलल रेंजेस कह दिया हमने इसको। और जो कब कितनी फैली होती हैं, एक्सटेंडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, ये लगभग कई हंड्रेड किलोमीटर तक फैली रहती हैं। द हिमालयन और द एल्प्स एंड द एंडीज आर द माउंटेन रेंजेस ऑफ एशिया। जो हमारा हिमालयन है और द एल्प्स एंड द एंडीज जो है ये हमारे एशिया की माउंटेन रेंज है। अब आपको क्या करना है बच्चों, आपको अपनी एटलस की बुक ओपन करनी है और उसमें देखना है कि ये माउंटेन कहाँ पर लोकेटेड हैं, ठीक है, इन माउंटेन्स की लोकेशन देखनी है और उनको फिर अंडरलाइन करना है, जिससे आपको ये पता चले कि ये माउंटेन कहाँ है। टाइप्स ऑफ माउंटेन, अब माउंटेन के भी कुछ टाइप्स होते हैं, उनको हमने ब्रॉडली क्लासीफाइड करा किसमें, पहला फोल्ड माउंटेन, सेकंड हमारा ब्लॉक माउंटेन हो गया और सर थर्ड हो गया हमारा वॉल्केनिक माउंटेन। फोल्ड माउंटेन के बारे में समझते हैं कि फोल्ड माउंटेन क्या होता है आपका। दिस इज द एग्जांपल ऑफ फोल्ड माउंटेन। द हिमालयन माउंटेन एंड द एल्प्स आर द यंग फोल्ड माउंटेन विद रिजिड रिलीफ एंड हाई कैनोनिकल पीक। जो रिजिड रिलीफ है इसको हम कहते हैं क्या, एल्टीट्यूड कितना है इसका, यानी कि हाइट एलिवेशन एंड हाई कैनोनिकल पीक, यानी कि कैनोनिकल पीक का मतलब क्या है सर, ये चोटीदार है, ठीक है, ये हिस्सा जो है ये एक चोटी बनी है, कॉनिकल का मतलब ये शेप होती है कुछ एकदम खड़ी चोटी। द अरावली रेंज इन इंडिया, जो अरावली रेंज है इंडिया में, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। ये दुनिया का सबसे पुराना क्या है, हमारा ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम है। द रेंज हैज़ कंसिडरेबली वर्न डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन। धीरे धीरे क्या हुआ, अरावली रेंज क्या अब धीरे धीरे ख़त्म होनी स्टार्ट हो चुकी है और बहुत हद तक ये डैमेज हो चुकी है ड्यू टू द रीज़न ऑफ इरोजन, इरोजन की वजह से। अब मैंने अभी आपको बताया था इरोजन क्या होता है, आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और इरोजन की डेफिनेशन लिखिए कि इरोजन क्या होता है। अब ये देखिए हमारे माउंटेन रेंजेस, हमारा हिमालयस, ये पूरी हिमालयन रेंज हो गई, ये देखिए ये आपके विंध्यास और ये सतपुराज आपकी दो रेंजेस हैं, इनके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। और ये दोनों रेंजेस से ही हमारी दो रिवर्स भी निकलती हैं, एक तापी रिवर है और दूसरी का नाम आप कमेंट सेक्शन में अपनी बुक में पढ़ के बताइए मुझे अगर आपको पता है। और ये हमारा थार डेजर्ट है, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और ये रही हमारी अरावली रेंज यानी कि अरावली फोल्ड माउंटेन, जो कि वर्ल्ड की सबसे पुरानी रेंज है। और ये किन स्टेट से निकलती है आप मैप पे देखिए और बताइएगा, स्टार्ट दिल्ली से हो रही है और ख़त्म कहाँ हो रही है, गुजरात। द एप्लाचीन इन नॉर्थ अमेरिका एंड द यूरल माउंटेंस इन रशिया हैव राउंडेड फीचर्स एंड लो एलिवेशन। जो हमारे एप्लाचीन और यूरल माउंटेंस हैं इनके जो
फीचर्स हैं अगर वो देखें तो वो तो राउंडेड शेप है इसकी, एंड एलिवेशन जो है इसका लो है, यानी कि जो इसकी हाइट है वो ओवरऑल बहुत ज़्यादा कम है, इतनी भी नहीं पर हाँ एक हद तक कम है माउंट एवरेस्ट से, तो बहुत ही कम है हिमालयाज से। और ये हमारे एप्लचिन माउंटेन और ये यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन के बारे में मैंने आपको मैप्स वाले चैप्टर में और ग्लोब में भी बता चुका हूँ कि यूराल माउंटेन एशिया को और यूरोप को दोनों को एक दूसरे से अलग करता है। इसके जो यूराल माउंटेन के जो वेस्ट में है वो तो यूरोप है और जो ईस्ट में है वो क्या है सर आपका एशिया है। और अगर हम यूराल माउंटेन को हटा के काउंट करें तो आपको याद होगा इन दोनों को हम क्या कहते हैं सर, इनको कहते हैं यूरोप प्लस एशिया इज इक्वल टू यूरेशिया, याद होगा आपको। अब ब्लॉक माउंटेन के बारे में पढ़ लेते हैं। क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरिया आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस वर्टिकली। मान लो ये एक, पहले आप ये समझिए, ये एक लैंड है ठीक है, टेक्टोनिक, सॉरी मैंने आपको बता चुका हूँ मेरी ड्राइंग से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मान लीजिए ये एक पूरा लैंड है, अब क्या हुआ टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट्स की वजह से या किसी और रीज़न से क्या हुआ ये वर्टिकली डिस्प्लेस्ड हो गई। मान लो ये वाला हिस्सा तो ऊपर ही रह गया और ये वाला जो हिस्सा था ये डिस्प्लेस्ड होकर नीचे की तरफ आ गया, यानी कि ये लगभग ऐसे हो गया और ये ऊपर का हिस्सा खाली हो गया, यहाँ कुछ है नहीं और ये ऊपर रह गया, तो इसी को हमने क्या कहा ब्लॉक माउंटेन का नाम दे दिया। ये एक ब्लॉक बन गया एक तरीके से ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे एक ब्लॉक ये रहा, एक ये और एक ये ब्लॉक बन गया। तो जो हिस्सा नीचे गया यानी कि ये वाला, इसको तो हमने नाम क्या दे दिया ग्रेवन, और जो ऊपर रहा उसको नाम दे दिया हमने हॉरेस्ट ठीक है। ये तो हमने नाम दे दिया इनको ब्लॉक माउंटेन, कुछ ऐसा दिखते हैं। इससे बीच में बहुत ही मतलब सुंदर एक वैलीज बन जाती हैं, जैसे देखिए यहाँ पे भी आपका माउंटेन है यहाँ भी, और ये बीच का हिस्सा पूरा का पूरा नीचे धस चुका है। द राइन वैली एंड द वोसेगस माउंटेन इन यूरोप आर द एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन सिस्टम, और ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। देखो अगर आप क्लास सिक्स के स्टूडेंट हो या फिर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो और दोनों रीजन से आप लेक्चर्स देख रहे हो, तो जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना वो आपको हेल्प करते हैं जो आप स्टेटमेंट्स लिखते हैं उनको प्रूफ करने में। तो आपको सर क्या करना है कि जो भी एग्जाम्पल्स होते हैं कोशिश करिए आपको याद रहें, जिससे आप जो बात कह रहे हो वो प्रूफ करी जा सके कि हाँ ये बच्चा सच बोल रहा है आपको, क्योंकि आप कोई रिसर्चर नहीं है, यू आर जस्ट एन स्टूडेंट, तो आपको अपनी बात प्रूफ करने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स ज़रूर पता होने चाहिए। अब वॉल्केनिक माउंटेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बात, फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी, तभी हमने इनको वॉल्केनिक माउंटेन नाम दिया। जैसे ब्लॉक माउंटेन को ब्लॉक माउंटेन क्यों कहा, क्योंकि वो ब्लॉक बन जा रहे थे, ऐसे ही ये वॉल्केनिक माउंटेन वो जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ के थ्रू बने। माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका एंड माउंट फुजियामा इन जापान एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन सिस्टम। आपको ये दोनों माउंटेन सिस्टम्स के नाम याद रखने हैं सर, SSC में ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, और क्या होगा जब आप सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करेंगे तो आगे भी आपको माउंटेंस के जो वॉल्केनिक एक्टिव माउंटेंस हैं उनके नाम और वो किस रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में उनके नाम आपको याद करने होंगे। अब ये किस तरीके से कि जो हमारा लावा होता है वो बाहर निकलता है और जब वो लावा फैलना शुरू करता है तो वो कुछ एक माउंटेन की शेप ले लेता है धीरे धीरे, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं सर वॉल्केनिक माउंटेन, हमने इसको नाम दे दिया क्योंकि वॉल्केनो के थ्रू बना। ये देखिए किस तरीके से ये धीरे धीरे ऊपर एक उभार आता गया, लावा निकलता गया, और जब ये लावा यहाँ इकट्ठा होता चला जाएगा तो ये माउंटेन बढ़ता चला जाएगा। अब फिर दो चीज़ होंगी, या तो ये सारा इसमें से लावा निकल के बाहर आ जाएगा और फिर ये माउंटेन धीरे धीरे ठंडा होता चला जाएगा और एक पूरे माउंटेन की शेप ले लेगा। माउंटेन आर स्टोर हाउस ऑफ वाटर, जो माउंटेन्स हैं वो वाटर का स्टोर हाउस होते हैं। मैनी रिवर हैव देयर सोर्सेज इन द ग्लेशियर इन द माउंटेन, बहुत सारे रिवर्स हमें पता है माउंटेन से बहते हैं। वाटर फ्रॉम माउंटेन आर यूज्ड फॉर इरीगेशन के पर्पज़ के लिए, हम माउंटेन का पानी यूज़ कर सकते हैं, एंड द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सी जगह आपने देखा है माउंटेन के पानी के थ्रू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और हाइड्रो पावर प्लांट्स स्टेबलाइज करे जाते हैं, जिसके लिए हम नदियों पर बांध वगैरह बनाते हैं और फिर वहाँ से पानी लगातार बहता है। माउंटेन हैव रिच वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, जो वनस्पति हैं, फ्लोरा का मतलब आपको पता होगा वनस्पति, एंड फौना का मतलब क्या होता है पशुवर, दोनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, अच्छी खासी वेराइटी मिल जाएगी, अलग अलग जीव देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग टाइप के आपको प्लांट्स या वेजिटेशन मिल जाएगा यहाँ देखने के लिए। प्लेट्यूज क्या होते हैं, प्लेट्यूज एलिवेटेड फ्लैट लैंड ठीक है, एक एलिवेटेड बिल्कुल फ्लैट लैंड होती है ये, और ये क्या होती है सर, ये जो आसपास का सराउंडिंग एरिया है ना उससे
हाइट में ज़्यादा होती है, बट ये माउंटेन से अलग इसलिए होती है क्योंकि ये पूरा ऊपर का हिस्सा जो है एक प्लेन स्ट्रेच होगा पूरा, ठीक है। एंड द इट इज़ अ, इसीलिए इसकी डेफिनेशन देखिए आप, इट इज़ अ फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया। हाइट वेरीज फ्रॉम फ्यू हंड्रेड मीटर टू सेवरल थाउजेंड मीटर्स तक इसकी हाइट चली जाती है। डेक्कन प्लेटो इन इंडिया वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटो, ठीक है, बहुत ही ओल्डेस्ट प्लेटोज में से एक है ये। ये देखिए प्लेटू, ये मान लीजिए ये एक बहुत छोटा सा प्लेटू है वैसे, पर एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके लिए प्लेटू के स्टेप्स होते हैं। इसकी हाइट देखिए आसपास के एरिया से काफ़ी ज़्यादा है, कुछ 100 मीटर्स तो होगी ये, और लेंथ भी इसकी अच्छी है, लेकिन ऊपर का जो हिस्सा है ये पूरा फ्लैट लैंड है, ठीक है। इसीलिए हमने इसको नाम क्या दिया सर, इसको नाम दिया प्लेटू। द ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू इन केन्या, तंजानिया एंड उगांडा एंड वेस्टर्न प्लेटू ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर अदर एग्जाम्पल्स। आप मैप में जाके देखेंगे तो आप पाएंगे कि प्लेट जो अफ्रीकन प्लेटू है उसमें तीन कंट्रीज आती हैं, केन्या, तंजानिया और युगांडा, ठीक है। और वेस्ट में जो हम प्लेटू की बात करें तो वो हमारा ऑस्ट्रेलिया में आता है। ये एग्जाम्पल्स हैं किसके, प्लेटूज के। तिब्बत प्लेटू जो है इज़ द हाइएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड, इसकी हाइट है 4000 मीटर से 6000 मीटर के बीच में। अफ्रीकन प्लेटू जो है वो फेमस है किसके लिए सर, गोल्ड और डायमंड माइनिंग के लिए, ठीक है, डायमंड की माइनिंग के लिए पॉपुलर है। और इंडिया में जो रिजर्व मिलता है हमें आयरन का, कोल का और मैग्नीज का, वो कहाँ मिलता है, छोटा नागपुर प्लेटू के अंदर मिलता है। ये रहा आपका प्यारे से देश, हमारे प्यारे भारत के अंदर छोटे से मैप में अगर हम देखें छोटा नागपुर, ठीक है, और ये रहा हमारा छोटा नागपुर प्लेटो जहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं, क्या, आयरन, कोल और मैग्नीज। इंडिया, अब क्या होता है जो प्लेटूज होते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे वाटरफॉल्स देखने को मिल जाते हैं। उसका सर रीज़न क्या होता है कि बहुत सारी नदियाँ यहाँ से बहती हुई आती हैं प्लेटूज से, और एक बहुत ही ग्रेट हाइट से वो नीचे की तरफ गिरती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे वाटरफॉल्स देखने को मिल सकते हैं आपको। फॉर एन एग्ज़ाम्पल इंडिया में बात करें तो हिंद्रू फॉल्स इन द छोटा नागपुर प्लेटो, जो कि छोटा नागपुर प्लेटो पर है, ये कहाँ पे फॉल करता है, ऑन द रिवर सुवर्णरेखा। एंड जॉग फॉल, अगर जॉर्ज फॉल की बात करें हम, तो वो कर्नाटका में हमें देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं वाटरफॉल, ये हिंद्रू फॉल है आपका और ये जॉर्ज फॉल। और मुझे लगता है कि इस इमेज को देखने के बाद आप में से ज़्यादातर का घूमने का तो मन जरूर करेगा, तो ज़रूर जाइएगा, हमारा भी प्लान है, जाएंगे तो वीडियो अपलोड करेंगे यहाँ पर। द लावा प्लेटोज आर रिच इन ब्लैक सॉइल, जो लावा प्लेटोज के बारे में बात करी थी हमने, वो रिच होते हैं जो ब्लैक सॉइल होती है, ब्लैक सॉइल उनमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और ये जो ब्लैक सॉइल होती है ये बहुत ही अच्छी मानी जाती है, फर्टाइल होती है बहुत ज़्यादा और गुड होती है कल्टीवेशन के लिए, यानी कि खेती करने के लिए। प्लान्स के बारे में बात करते हैं, प्लान्स क्या होते हैं हमारे, लार्ज स्ट्रेच ऑफ फ्लैट लैंड, दे आर बहुत ही लार्ज स्ट्रेच होते हैं फ्लैट लैंड के, जैसे बताया था मैंने आपको, ये पूरा मान लीजिए माउंटेन से ही हमारे माउंट एवरेस्ट वगैरह हो गए, शिवालिक हिल्स, इसके नीचे हम देखेंगे तो ये हमारा पूरा नॉर्थर्न प्लान कहलाएगा, ठीक है। दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर अबोव मीन सी लेवल, जो सी लेवल है उससे 200 मीटर अबोव नहीं होते। अब आप सोच रहे हो हम सी लेवल की बात क्यों कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपने पुरानी क्लासेस अटेंड नहीं करी हैं, जाइए पुरानी क्लासेस अटेंड करिए, उसके बाद ये लेक्चर देखिएगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। प्लान्स फॉर्म, जो प्लान्स हैं वो फॉर्म्ड क्यों होते हैं, क्योंकि रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज की वजह से, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्लान फॉर्म्ड बाय द रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, रिवर जो हैं रिवर फ्लो करते हैं कैसे, कुछ रिवर्स हैं वो ऊपर से माउंटेन से फ्लो करते हुए आते हैं और उनको इरोड करते हैं, एंड जब वो नीचे की तरफ आते हैं डाउन द स्लोप तो माउंटेन्स इरोड कर दिए, और उन्होंने क्या करा, कैरी फॉरवर्ड इरोडेड मटेरियल, जो मटेरियल उन्होंने इरोड करा, इरोड क्या होता है, ये माउंटेन है, ठीक है, बहुत सारे माउंटेन मान लो, अब यहाँ कहीं से कोई ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है उससे पानी फ्लो करके आ रहा है, या फिर मान लो यहाँ पे बादल स्ट्राइक कर रहे हैं, जब बादलों का मॉइस्चर था वो यहाँ पे बरसा और वो पानी फ्लो हुआ, जब ये पानी ऊपर आएगा तो ये पहाड़ की ऐसे चोटी थी मान लो, ये यहाँ से धीरे धीरे इसने इस पूरे पहाड़ को काट दिया पानी ने, अभी नीचे की तरफ आ रहा है तो ये क्या करेगा, इरोडेड मटेरियल को भी अपने साथ लेता आएगा और वो मटेरियल धीरे धीरे अपने कोर्स के साथ आगे लेता आएगा, और क्या होगा फिर कुछ टाइम के बाद, दे कैरी फॉरवर्ड द, जब ये अपने कोर्स पे आ जाएगा पूरा, मतलब एकदम समतल प्लेन पे नदी फ्लो करने लगी, तो धीरे धीरे ये अपना जो लोड है उसको छोड़ता चला जाएगा,
ठीक है, ड्रॉप कर देगा ताकि पानी आगे बहता रहे. देन दे डिपॉजिट देयर लोड कंसिस्टिंग ऑफ स्टोन्स एंड सैंड एंड सिल्ट अलॉन्ग देयर कोर्सेज एंड इन देयर वैलीज, जो इसकी वैलीज हैं उसमें, और कोर्सेज, या कोर्सेज क्या कहते हैं, जिसमें नदी फ्लो करती है वो नदी का कोर्स कहलाता है, जिस रास्ते पर नदी बहती है वो उसका कोर्स है. ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये नदी बह रही है तो इस नदी का कोर्स ये है. आप ये जो आप ये देख रहे हैं ना, ये जो एक लार्ज स्ट्रेच बन गया है पानी का, ये जो बना है ना, ये जो इलीवली जो ये डिपॉजिट लेके आती है ना, उस डिपॉजिट की वजह से ये सारा कुछ यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है एक जगह, जिसकी इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे 9th क्लास में. अभी अगर मैं आपको बताऊँगा तो खिचड़ी सी रन जाएगी, तो ये वाला हिस्सा रहन देते हैं. बिकॉज ऑफ द फर्टाइल सॉइल द लैंड इज हाईली प्रोडक्टिव फॉर कल्टिवेशन. अब क्या होता है, जो ये मटेरियल और स्टोन सैंड लेके आ रही है नदियाँ ऊपर पहाड़ों से, तो उससे जो प्लांट फॉर्म हो रहे हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स पहाड़ों से बह के आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एरिया हाईली प्रोडक्टिव होता है, कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है. और आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा डेंस होता है एरिया, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है लोगों की, क्योंकि यहाँ ट्रांसपोर्टेशन भी ईजी हो जाता है प्लांट्स होने की वजह से. एक तो ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो गया, खेती करना आसान हो गया पहाड़ी एरियों के मुकाबले, और लोगों के लिए रहना भी आसान है, क्योंकि जब आप यहाँ खेती कर रहे हैं तो आप रहेंगे भी कहाँ सर, यहीं पे रहेंगे. इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, चैप्टर 7 हमने कंप्लीट कर लिया, सॉरी 6. अब इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है, आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा. हम लोग बहुत ही जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं एक अपना सिस्टम, जिसमें हम स्कूल स्टूडेंट्स और जो गरीब बच्चे हैं, जो स्कूल और कॉलेज की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते हो, उनको स्पॉन्सर करें और उनकी फ़ीस पे करें. तो आप उसके लिए हमें डोनेट कर सकते हैं पेटीएम के थ्रू और यूपीआई के थ्रू आप हमें डोनेट कर सकते हैं. यूपीआई के लिए आपको क्या करना है, @ फ़ोन नंबर के बाद YBL लगा देना है सिर्फ. पेपल के थ्रू भी आप हमें डोनेट कर सकते हैं, पेपल की यूज़र जो डोनेशन आईडी है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी. आपका ये छोटा सा अमाउंट जो है वो बहुत ही सारे बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा, बट और लोगों की तरह वो वीडियोस में यूट्यूब पे शेयर नहीं करूँगा. रीज़न ये है कि यार मैं आपको दिखाने के लिए कि हाँ हम उन बच्चों को दान कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो उन बच्चों की डिग्निटी है ना, उसको मैं खतरे में नहीं डालना चाहता. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. जैसे आपने पिछली वीडियो में सपोर्ट करा, उम्मीद है यहाँ भी आप सपोर्ट करेंगे. स्टे होम, घरों में ही रहें अपने, और सेफ रहें, अपनी फैमिली को भी घरों में ही रखें, और जब तक बहुत ज़रूरी हो घर से बाहर निकलें और कोविड 19 से इंडिया को जीतने में मदद करें.